तो पहला सारे नू प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्कार। तो मैं धन्यवाद करदा अज अपने प्रेस वीरां दा, प्रिंट मीडिया च भी आए ने, सोशल मीडिया ते भी आए ने, ते जो अज रख्या प्रोग्राम सद्दा दिता तुहानू सारयां नू असी। तो एक तो चलो मुलाकात भी मैं असी कर लाँगे बैठ के, आपां सब मिल भी लवांगे आपां। तो अपना जो दी सानू जिम्मेवारी मिली है, सेवा लगी है पार्टी वालों सरकार वालों, साड़ी मुलाकात भी नहीं हुई। तुसी भी उड़ीक सीगे ते मैं भी उड़ीक सीगे सी, आपां एक वारी बह जाइए आपां इकट्ठे होके, ते वो भी एक बहाना सी मिलन दा अपना। ते दूजा जिहड़ा सीगा कि सुनेहा असी लगाना सी, दसना सी तुहानू कि जिहड़ियां पंचायत इलैक्शनस चल रही ने, नोमीनेशन हो गई है, ते असी जिहड़ी हुण असी अपने हल्के दी असी आपां गल करनी सी, हल्का शाम चौरासी दी। ते तकरीबन जिहड़ी हलका शाम चौरासी विच जिहड़ी है, मैं जिहड़ा मेन मुद्दा सी जिहड़ी सर्वसंमतियां बारे असी आपां डिस्कस करना सी, तुहानू सुनेहा लाना सी। तकरीबन साढ़े 286 पिंड ने साढ़े हलका शाम चौरासी विच, छोटे वड्डे मिला के 213 बूथ ने, ते दो ब्लॉक ने साढ़े हलका शाम चौरासी पिंड दे, एक हुशियारपुर वन पिंड दा ते एक ब्लॉक पिंड दा भूंगा। ते इहदे विच जो डाटा सरकारी डाटा जां साडे कोल भी डाटा इकट्ठे ही हैगा इह, ते तकरीबन जिहड़े टोटल जिहड़े सर्वसंमतियां होईआं उह होईआं साडीआं 61 हो गईआं साडीआं, उह 61 सर्वसंमतियां। एक इह जिहड़ी 61 नंबर हैगा इह पूरीआं सर्वसंमतियां, इहदे विच सरपंच भी सर्वसंमती नाल चुने गए आ ते पंचायत मैंबर भी सहमती नाल चुने गए ने। इहदे विचों जिहड़ी हैगीआं 46 ब्लॉक वन दीआं हैगीआं, 15 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਭੂੰਗੇ ਬਲੋਕ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਲੇ ਸਰਪੰਚ ਅਨਪੋਸਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ 10 ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਲੋਕ 1 ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਲੋਕ ਭੂੰਗੇ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਟੋਟਲ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 71 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਰਬਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। तो 61 जिहड़ी पंचायत मैंबर की टीम हैगी सहमति नाल चुनी गई। तो एक जरूर मैं इत्थे जिक्र करूँगा कि साडे हल्के च दो पिंड ने, एक लंबे पिंड हैगा वो छोटा पिंड हैगा, पर उहदे विच बड़ी सानू भी हुणी पता लग्या कि तकरीबन 10 सालों तो 10 टर्म मतलब कि 50 साल हो गए ने, हुण 11वीं वारी उन्होंने अपनी पंचायत हैगी सर्बसंमति नाल चुनी हुई है। वो मतलब कि हम 11वीं टर्म जी पंचायत की सर्बसंमति ने 10 वारी पहला सर्बसंमति चुने हैं। तो दूजा पिंड साढ़े हल्के हैगा सिंगड़ीवाल, वो भी 5 वार लगातार उन्होंने यूनैनीमसली पंचायत चुनी है, तो हम 6वीं वार भी उन्होंने यूनैनीमस अनपोस जी सारी पंचायत उन्होंने चुनी है। तो मैं कहूँगा कि यह जो साढ़े CM साहब वालों सुनेहा लग्या सी पहला शुरू तो ही कि असी आपां जिहड़ी पंचायत की इलैक्शन आ नू आपसी भाईचारे ना घट खर्चे च लड़ीए, तो सब तो पहले होगी असी आपां सर्वसंमति ना कर लीए, आपां चुन लीए अपनी सरपंच पंचायत, तो जिहदे विचों सरकार वालों भी जिहड़ी इनाम राशि जां उन्हां नू एक तरह का इंसेंटिव जां उन्हां दी इस स्टैप लई जो हैल्प की जाएगी वो 5 लाख की सी। मान साहब ने कहा कि असी होर भी आपां इस तों इलावा भी कुछ कोई बिल्डिंग की लोड़ होगी तो जां कुछ होर ग्राउंड की स्टेडियम की लोड़ होगी वो भी असी आपां अकॉर्डिंग टू पंचायत एरिया से आप करांगे। तो साढ़े लिए यह बड़ी खुशी वाली गल आ, माण वाली गल आ कि साढ़े हल्के तकरीबन 61 सर्बसंमति नाल पंचायत पूर्ण तौर पर चुनी गई है। कि मैनूं लगता कि हुशियारपुर जिले तो शायद मतलब कि सब तो वध हलका शाम चौरासी दी असी आप साढ़े चुनिया गई हाँ। तो मैं इस करके तुहानूं सानूं असी आपां सुनेहा दित्ता सीगा, तो मैं कहा असी इह खबर नूं इस गल नूं असी आपां सांझी करिए जी। जी धन्यवाद। तुसीं चलो रफली उधर 286 नंबर हैगा, जे 320 राउंड दे अमाउंट मान के चलीए 60 आपां कर ले हैगे, आपां तकरीबन 20% कह सकते हैं, आपां 6 × 5 = 300 ते 20% दे आसपास सी साडी जिहड़ी पंचायत हल्के दीआं दोनों ब्लॉक मिला के असी सर्बसंमति नाल चुन लई है जी।
लोकल बॉडी का। सर एक प्रॉब्लम बड़ी है बिल्डिंग की, जिहड़ी अनलीगल बिल्डिंग बन जाती है, पास कुछ कराते बंद कुछ कराती है, उससे पूरे पंजाब ट्रैफिक का सिस्टम जो है बिगड़ गया। जी जी नहीं वो गल सही है, असी देखो कल असी अमृतसर गए से दरबार साहब गए से तो जोड़े उत्थे उन्होंने पर्सनल रिलेशन ऑफिसर है मिस्टर रणधीर, तो असं जो परिक्रमा कर रहे थे सानू उन्हें दिखाया कि दरबार साहब के पिछले पास एक बिल्डिंग काफ़ी उच्ची खड़ी होगी वो ऑब्सट्रक्ट कर रही थी, तो सेफ्टी रिस्क भी सगा, तो सी एम साहब गए से उन्होंने रुकवाता से वो हजे डिमोलिश नहीं हुई, जिन्होंने देखो दरबार साहब नू नहीं छड्डिया मतलब कि पूरी दुनिया आँदी जिते मानती हैगी है, तो बाकी तो की हाल होगा। ये वाकई गल सही है कि ये दोनों ही जिम्मेवार ने, हो सकता सारे डिपार्टमेंट के बंदे भी इनवॉल्वमेंट हो उन्हों की सहमति ना हो, जिहड़ा बिल्डिंग बना रहा वो भी अपना तो साढ़े ध्यान चा, जिते भी सानू कोई सुनेहा लगता असी आप सख्त तो सख्त कार्रवाई करांगे, चाहे वो साढ़े अपने डिपार्टमेंट का बंदा भी नहीं हो। असी हायर ऑफिसर मीटिंग कर ली उपर चंडीगढ़ हैडक्वाटर, तो सबनों सुनेहा लाता कि असी कानून के मुताबिक ही असं काम करेंगे, जो सही है गलत है गलत है जी। जुड़ा मुद्दा हो रहा है जी जी सरकार के लिए पानी बचाओ जी, पांच मरले उत्ते जी बिल्डिंग बन रही है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम बन रहा है जी जी, वो सर सिक्योरिटी 20,000 रुपया जमा होती है, जब नक्शा पास कराते सिक्योरिटी जमा कराते, जब बन बन जाता फिर सिक्योरिटी लेंगे नहीं ना, हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाते उत्ते, एक भी बड़ा मुद्दा है कि मतलब एक सरकार कहेगी पानी बचाओ। नहीं मैं करूँगा, मैं इतने भी असं ध्यान रखा आप, मैं इनू एक स्टडी करके तो ध्यान च लिया मेरे, मैं अभी वर्क इतने काम करा आप की बेस्ट हो सकता की नहीं। सर एक बड़ा मुद्दा जी पिंड जो खाली प्लाट पे होंगे जी वो कूड़े के डंप बन जाते हैं, वो पॉलिसी लेकर आए जी पिंडा च जोड़ा रूरल डिवेलपमेंट पंचायत महकमा हैगा वो बन काम कर रहा है, इतने हूँ सोलिड वेस्ट का प्रोजेक्ट चल रहे थे सुके कूड़े का वो किते हुए ने, तो कंस्ट्रक्शन हो गई है तो पिंड नू जिम्मेवारी दे देनी है, कुछ लोग तो लोकल इंपॉलमेंट भी हो जाऊगी तो रेडी ला के सारा हो गया करो करो, जिदा शहर च कर दे कूड़ा कट्ठा कर दे, पिंड च भी हो आप अप्लाई करांगे जी जी। नहीं वो मैं दसदा साढ़े वालों सरकार वालों डन हो गया है, वो गवर्नर साहब को असी भेजा सरकार ने, तो मेरे ख्याल गवर्नर साहब छुट्टी पर सी, मेरे ख्याल हूँ एक अद्धे दिन शायद ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने वाले उन्होंने साइन होकर वो भी नोटिफाई पब्लिक डोमेन च आ जाएगा जी, वो साढ़े वालों ओके गया होया जी जी। सही गल है सही गल, कोई नहीं असी आ गए हम फिक्र ना करो, जिसे भी ध्यान दोगे असी आप हल करांगे, सच्चाई है सच्चाई है जी जी। 15-20 साल हो गए अफसर जिन्होंने जंग लग चुका है, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਈਆਂ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ कोई पॉलिसी इदा दी बनाई जाए कि एक बंदा इन्ने साल तो बाद एक सीट पर ना बैठा जाए, जो ओनू इदा हाँ हाँ, मैं अपने डिपार्टमेंट भी आप कर लाँगे, तो जिथे लग्या कि सानू उहदा टाइम ओवर हो गया, चलो हुण तां जनरल इलैक्शन ट्रांसफर का टाइम निकल गया है, नहीं होना तो नैक्सट सैशन आप जरूर इनू ध्यान रखते हुए असं आप इनू अप्लाई करांगे आप जी जी। नगर निगम अगर भ्रष्टाचार है ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਨਕਸ਼ੇ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆਨਲਾਈਨ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆਪ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਰਕਆਊਟ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 10-10 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਗਲੀ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ,
तो उन्होंने छेड़ना डिपार्टमेंट में भी, मैं यही कहता कि लोग इस उन्हों की गलती आ, तो गलती दोनों पासे हैगी, साढ़े पासे भी हैगी महकमे, तो चलो पब्लिक तो चलो अपना काम करना कराना ही करना जिदा भी होंगे है जी। चलो चेक करवा दांगे मैं, करवा दूं मैं जी। रफली इनका 250 फिगर हैगा, तो जो सच्चाई हैगी कि देखो सीएम साहब वालों सरकार वालों सबनों स्नेह ही लग्या कि MLA साहब हो, मंत्री साहब हो, चाहे अफसर साहबान हो, कि तुसी असी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करानी है, तो किसी दे भी कोई तंगे परेशानी ना हो, किसी दे कोई कोई छोटी गलती होगी उन्होंने भी सही करके असी उन्होंने आप फार्म भराइए, उन्होंने इलेक्शन लड़ाइए। तो साढ़े हल्के भी इदा ही होया, कोई किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं। मैं तो जदों की इलेक्शन अनाउंस हुई आ, मैं तो किसी के प्रचार वास्ते भी नहीं गए, असी आप सिर्फ जो जागरण जा उन्हां वास्ते जा रहे हैं आप, तो साढ़े वालों भी जड़े बंदे लड़ रहे असी कि अपने बलते लड़ो, अपनी ईमानदारी लड़ो, तो सरकार वालों भी यही स्नेह है। चलो थोड़ा बहुत कितने ना कितने हो गया होना जा कुछ लग्या होना इदा का, पर सरकार की कोई इदा की इंटेंशन नहीं हैगी कि असी इदा का आप काम करिए। सबनों डेमोक्रेसी आ, आज़ाद मुल्क हैगा, आज़ाद पंजाब हैगा, सारू खुली आज़ादी है, छोटे कि इलेक्शन लड़ो, तो सरकार के कोई इनवॉल्वमेंट की गल नहीं कोई भी। मैनू चंगी तरह असी वाकफ है अपने एरिए कले कले पिंड कले कले रास्ते ना, तो साढ़े पूरे ध्यान चा, तो जो असी ढोल वाजे तो अगे जाइना एक डंगा उत्थे है गया बैठ गया है, तो जो बहेड़ी तो अगे जाइना आप बाड़ी खड़ता है, तो वह तकरीबन एस्टिमेट लगे हुए ने सारे। तो जो तुम गड्डी की गल करते हो जो हरियाणा मिंगला रोड की करते हैं कॉजवे बनया भी है, तो असी इन सारे मतलब वह तकरीबन एस्टीमेट 7 करोड़ का बनया हुआ एस्टीमेट तैयार ने, असी अगे रिक्वेस्ट भी की हुई है फंडस वास्ते, असी आप कोशिश कर रहे हैं कि आप जिनी छेती हो सके आप कराइए, खास करके डंगा कि कड़ा बहेड़े तो कॉजवे कि ब्रिज जगह हरियाणा मिंगरौल वाला, तो कोई फिक्र नहीं करना, सब कुछ तैयारी है साड़ी, बस असी थोड़ा कोर्ट का निकल जाए तो असी फंड रिलीज़ करा के आप करा देंगे जी। नहीं तुसी मैनू दिओ, तुसी असी तो बड़े खिलाफ है ना, ठीक है जी हाँ, तो तुसी जो भी प्रूफ है सानू लगता बंदा जिहड़ा भी हैगा जो भी काम करता जा कितने भी हैगा तुसी सानू दसो, असी आप स्ट्रिक्ट एक्शन लावांगे। साढ़े वालों कोई इदा की किसी को कोई सिफारिश नहीं कि साडा बंदा इहदी हैल्प करो, इदा करो, जो सही है जो गलत है गलत है जी। है जी मैं यही कहूँगा कि बड़ी जिम्मेवारी बड़ी सेवा मिली है, तो ये महकमा इदा कि यह जो असी सवेरे उठते हैं आप जो उठते हैं फ्रैश भी होईदा आप वॉशरूम जाइदा कि असी उस वेले डिपार्टमेंट का कॉन्टैक्ट चाहिए, सीवरेज का हो गया काम, पानी का काम हो गया, तो रात को भी जो आप बिस्तर से जाइदा तो गलियां जिहड़ी लाइटिंग का काम होंदा वो सवेर तो लाके शाम तक सारा पब्लिक हैगी है, खास करके ये लोकल बॉडीज़ नाल ही डिपेंडेंट हैगी है, तो साडा मकसद यही होगा कि जी असी सफाई का सीवरेज का पोर्टेबल पानी साफ पानी का जी लाइटिंग का जोड़ा है, तो सड़क जी कारपोरेशन अंडर आदि है इन्हों से असी आप वर्क करिए आप इन्हों क्योंकि लोगों जोड़िया मुढ़लिया सहूलत जी दिक्कत परेशानी आँदी इन्हों तो आँदी हैगी
तीन ते असी आपां वर्क करांगे आपां। बाकी बाकी जिथे 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 तुहाडी लोड होगी तुसीं सानू दसो, कई बार नहीं हुंदा असी बिजी होईदा, जिथे लगदा कि किते कोई प्रॉब्लम आ जां कोई गलत हो रहा जां किते कोई अणगहली हो रही जां किते कोई किसी चीज़ की लोड़ है उत्थे काम की सानू दसो। तुसीं जे विधानसभा लाइव होगी तो कॉर्पोरेशन लाइव क्यों नहीं हो सकती, दसो भला है। चलो मैं यही कहूँगा कि तकरीबन दो हफ्ते होए आ, पहला साडा ध्यान शाम चौरासी जी हुंदा सीगा, सारा कुछ उधर ही हुंदा सी, ते हुण सानू महकमा मिलिया, असीं मीटिंग भी करांगे अपने अफसरां नाल, कॉर्पोरेशन सारे एमसी साहिबां नूं बुलावांगे, ते जो उन्हां दी दिक्कतां मुश्किलां हैगियां प्रॉब्लम्स हैगियां सुनांगे भी, ते उन्हां दा हल भी करांगे, ते जिथे कोई परेशानी दी गल हैगी उहनूं आपां हल करांगे जी। अपना दसो जी, हां नहीं जरूरी हैगी, वो तो असी भी जो इलेक्शन तो पहला सरकार बन तो पहला असी मीटिंगा कीतियां, प्रोटेस्ट भी किए आवारा पशुओं लिए उन्होंने गौं, तो मैं जरूर असी आप स्पेशली हुशियारपुर में देखते हुए आप कोई ना कोई पक्का हल आप करन दी कोशिश करांगे। दसो पहचान हो रहे हो कहंदे नहीं है दिक्कत है ना, जिहड़ी पैडी हैगी आ उहदे विच शैलर दी जिहड़े हैगे लिफ्टिंग नहीं हो रही हैगी, ते असी लगातार संपर्क विच हैगे उहनां नाल शैलरस दे नाल उहदे एसोसिएशन नाल, ते उहनां दे भी इशू हैगा कि मैं कहा जिहड़ी उहनां दी पुराना स्टॉक उह लिफ्ट नहीं होया, ते सरकार पूरे इन टच विच हैगी आ, ते असी जरूर असी आप भी मंडियां जाके विजिट करांगे आपां आढ़तियां दी की प्रॉब्लम आ, शैलर मिलर्स की प्रॉब्लम आ, ते जिहड़े साडे किसान भराउणे दी प्रॉब्लम उहनां दा आपां शायद असी कल या परसों एक बार फिर आप सारे अपनी मंडी विजिट करांगे जी। हाँ हाँ दसो 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 जी जी सर, कुछ लोगों को आज भी वो चीज जी बहुत ज्यादा अहमियत है कि लोगों को करेक्शन कराने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि किसान केंद्र कह देता जी साडे कोल डॉक्यूमेंट नहीं है उधरों अप्लाई होना उधरों उधर भेजने, कोई इदा का नहीं काम किया जा रहा कि जन्म मौत के सर्टिफिकेट सिर्फ कारपोरेशन के अंदर ही अप्लाई किए जा, नहीं नहीं सही गल मैं करूंगा, मैं कर वो तो मैं खेल ऑल ओवर पंजाब ही होना जो कह रहे हैं कर दे। An excellent coaching point in IELTS and spoken English. Also expert in study and visitor visa. Government approved. SS Group. Session Chowk, Hoshiarpur.